हेलो एवरीवन। सो गाइस, सकल पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि अभी हमारे घर चल रही है होली की सफाई। और आप लोगों को अपना घर दिखाते हैं गाइस। देख सकते हैं आप लोग, हमारे घर की हालत ये हो रखी है। और अंदर वाला कमरा भी आपको दिखाते हैं, ठीक है? कूड़ा पड़ा हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इधर ये देखिए, ये सफाई कर रही है। देखो, नहीं होगी इस तरह की नौकरी क्या? इसी नौकरी के लिए मैंने जीत और मेहनत करके पढ़ाई की थी। तो आप लोग देख सकते हैं लड़कियां कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितना भी पैसा कमाए, सफाई तो करनी पड़ती है। करनी है सफाई। देख लो कैसे कचरा फैला हुआ है। और ये देखो हम यहाँ से कर रहे हैं पूरा साफ, और ऊपर वाला साफ हो चुका है। और अब यहाँ से लाएंगे। और मम्मी कर रही इधर सफाई। मम्मी तो दे, मम्मी बोलती नहीं है, मम्मी बहुत गुस्से में है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे तब भी गुस्से में भी तो हंस रही है। देख लो, इतना माँ के अंदर ही क्षमता हो सकती है। क्या तुम तो हमेशा नाराज रहे? मैं चीरी लग रही हूँ, मैंने सोचा घर पे सफाई करते हुए कोई मेकअप करके सफाई। हाँ, ये क्योंकि ये यहाँ पे क्रीम पाउडर करके आएंगे। अब मैंने नहीं, तो मैंने अपनी वीडियो बनाई थी तो मैं क्रीम पाउडर नहीं करूंगी, बता। सही बात, काम है नहीं, हफ्ते में दो वीडियो बनाती हूं। दो वीडियो पढ़ती हैं, यूट्यूब पे चेक कर लेना गाइस। ये जो सफाई करते हैं अभी, फिर उसके बाद देखते हैं बाहर वाले कमरे में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला कमरा इनके हैंडओवर कर दिया जा रहा है और ये इसकी सफाई करेंगी। होली मैं नहीं जाऊंगी बाहर, उससे काम ज्यादा कराया जाएगा। मैंने कहा ले तू यहाँ का कर ले, तो कह रही नहीं नहीं मैं बाहर ही जाती हूँ। नहीं, बाहर भी काम पड़ता है यार, ऐसी बात नहीं है। कितनी सारी चूड़ियां हो सकती है, इधर देखो कितनी चूड़ी के डब्बे लगे हैं। अभी कुंवारे हैं तो ये हाल है चूड़ी लेके। और जब साथ में तो सोचो, मुझे लग रहा है इतना विश्व चूड़ियों से भरा होगा, है ना? मैं अभी इसीलिए है ना कि सारी ड्रेस सब से मैच रहती है। देखो भाई कितनी चूड़ी हो गई है। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये आधा विकार का भी सामान है, फाउंडेशन भरा है। हमारे पास भी एक डब्बा नहीं है, ढंकी एक रैक भी बनी है जिसमें सामान रखो। चलिए गाइस, अब आपको बाहर का दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कि मम्मी कर रही शोकेस के ऊपर साफ। और ये पर्दा हटता है तो भाई बहुत ज्यादा गंदगी निकलती है। इसके बाद हम लोग सफाई करेंगे इस स्लिप की, ठीक है? देखिए सबसे पहले खाना खा के ये देखो भाग रही है। सबसे पहले खाना खा रही, सफाई उपाई करने को हो नहीं। और देखो चाची भी इधर कैसे खा रही, सफाई करा। इनके इधर भी सफाई चल रही है। जैसे खाना फोन पीछे लेके आ, क्यों तू सफाई कर ही नहीं रही, बैठी है जब से। ये देखो इधर फूल पौधे सब सूख रहे हैं इनके। भाई तबीयत सही हो या ना हो, अब सफाई करनी है। अब नहीं भाई, इसको ऐसे देख के सही है या गलत, हमें ये तो सही होती है। ये कैसे हो गई गलत? आप इसको भी हटा दे, हमारे टेडी भी है। इसको बस ये फालतू काम करने ज्यादा आते हैं, बस ये बड़ी बड़ी चीजें। ना तुझसे बड़ी चीजें हटवा लो बस, तुझसे छोटी छोटी चीजें नहीं हटेंगी बस। मैं खुद छोटी हूँ इसीलिए बड़ी चीज़। बहुत छोटी है पर जुबान बहुत बड़ी है। तुम सबसे तो छोटी। स्कूल चले हम, इतनी बुरी शकल में स्कूल जा रही, जा कहाँ जा रही ये तो बता दे। मैं शांति कुंज पब्लिक स्कूल। गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे। और मैं क्यों आई थी, क्योंकि मैं अपने कपड़े रखने आई थी नीचे। भाई धूल में मेरे कपड़े सारे गंदे हो रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। ये रखे सारे कपड़े मैंने धुल के डाले थे और ये सब लोग क्या कर रहे थे, धूल में मेरे कपड़ों को गंदा कर रहे थे। तो चलिए अब फटाफट चलते हैं नीचे और खाना खाते हैं। भूख लगने लगी क्योंकि टाइम भी हो गया काफी। और देखिए यहाँ पर तो भाई कुछ भी नहीं है ज्यादा साफ सफाई के लिए छत पे, बाकी नीचे ज्यादा सफाई हो जाती है। दो ही कमरे हैं तो उन्हीं में सारा सामान रखा रहता है। बाकी यहाँ तो ये पूरा कमरा, ये वाला तो पूरा खाली रहता है, इसमें तो कुछ ही नहीं रहता। तो चलिए फटाफट चलते हैं अब नीचे, सबसे पहले खाना खाते हैं। मम्मी देखो कैसे टैडी को पैक कर रही है, लग रहा है ये कहीं जाएगा। बेचारे को कैसे लिटा के पैक किया जा रहा है, देख लो क्या हाल बना दिया बेचारे। ये देखो अब थोड़ा काम करते हुए नजर तब भी आई, तब भी देखो ऐसे कर रही है जैसे कोई एहसान नुकसान कर रही है। ये देखो पहले लिटाया, अब उसको खड़ा किया जा रहा है। ये लो भाई जिसको कचौड़ी आलू खाना, जल्दी जल्दी आ जाइए। हमने अपने भाई को भी काम पे लगा दिया, ये देख सकते हो हमारा भाई डस्टबिन में कूड़ा भर रहा है। और ये देखो बहन खूब कूड़ा ला के उसको दे रही है। नहीं उसने खुद पूरा भरा। क्या कर रहा है तू? अभी बस थोड़ा सा भाई होते ही इसीलिए कूड़े को बाहर निकाले हैं। अब तुम्हें भी कचरा समझ के एक निकाल, अब तुम्हें भी निकालेंगे। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम कौन सी राजकुमार हो जो घर में रहोगी? माँ बाप की आंखों का तारा थोड़ी हो। देखिए देसी तरीके से सिखा, देखिए पूरे डब्बे किचन के धुलने के लिए बैठी पड़ी है। मैं झूठ तो बोलती नहीं, मेरे घर भाई टंकी की इतनी सुविधा नहीं, इसलिए मैं नल से ही धुल रही हूं। तो झूठ क्या बोलना है, इसमें नल तो देसी है भाई, बचपन से चलाते हुए आ रहे हैं, आदत है। ये देखो मम्मी पता नहीं क्या ढूंढ रही है थैलियों में से, बिस्किट का पैकेट है भाई जो है उसमें ही घुस है ना। और क्या तुम्हें पूरा टैंक चाहिए? हाँ क्योंकि यहाँ पे देखो अभी ऐसी काम चल रहा है तो क्या फायदा पैसा खर्च करने। नेक्स्ट ईयर लगवा लेंगे। उसके बाद देखो ये सारी, देखो ये गिलासियाँ,
गिलसियां आए हाँ गिलसियां। चलो जल्दी जल्दी धुल लो फिर चलते हैं अंदर। बोल रही थी कि टंकी की सुविधा नहीं है यहाँ पे, देखो पूरा मोटर का पाइप दिख रहा है आपको, ये अभी बटन दबाएगी तुरंत ये मोटर से धुलने लगी सारे डब्बे। हाँ साफ साफ सफाई करके हम लोग थक चुके हैं, तो अभी हम लोगों का चाय नाश्ता हो रहा है। ये देखिए कचौड़ी रखी है, अभी भी सफाई हुई नहीं है बच्ची। ये देखो मेरे नेम का, देखो नहीं नेम का है या फोटो का है, फोटो है तीन। देखो ये थक गई है तो इसको क्लियर नहीं हो, हालत देख सकते हैं कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी हो भाई। चाय बनाइए तो चाय पी रहे, थोड़ी थकान निकल जाए, पर गर्मी भी लग रही है ना, नहीं लग रही है। मुझे भाई चाय बहुत पसंद, चाय पी लो तो सारी थकान दूर हो जाएगी। अभी चाय पसंद है, अभी किसी बेकरी में पहुंच जाएगी तो कहेगी बादाम शेक पसंद है, उसके बाद इसकी पसंद बदलती रहती है समय के साथ। अगर थकान हो तो सबसे ज्यादा चाय, फिर बादाम शेक हो चाहे कुछ पसंद नहीं आता। तो चलिए फटाफट पी लेते चाय, अभी और भी सफाई रहेगी फिर उसके बाद वो करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है जो कि पॉलीथिन काट रही है, जो कि ये स्लिप पे लगेगी बहुत ज्यादा। अंदर देख सकते हैं आप कितना कचड़ा है हमारे घर में, अमीर लोग चांदी की पॉलीथिन बिछाते हैं चांदी की। और ये देखो, अरे ये देखो ये कैसे कर रही है, देखो ये वो कर रही है उसका। और ये रहे हमारे पापा, पापा तो सकल ही नहीं दिखाते। हाय कर तू, कैमरा चल लिया है, चल लिया है खेवी, कैमरा चल लिया है, कैमरा चल लिया है भाई। और हमारी मम्मी कर रही हैं अंदर सफाई, देखो गाइस अंदर ये जो पाइप, अरे आपको दिखते भी नहीं होंगे, देखो लो ये क्या कर रही है, ये देखो बर्रैया को मार रही, देख लो ये काट लेगी सच्ची, जान से मारना नहीं चाह रही मेरे पास, झाड़ू लेके देखो कैसे भगा रही है उसको। अरे अरे देखो गाइस ये सिखा बहुत ज्यादा बर्रैयों को पकड़ रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी पकड़ने का इंतजाम किया जाए, तो ये देखो ये मौका लगते ही मैं सिखा को इसके अंदर पैक कर दूंगी, मैं इसको जिन बना दूंगी, जिन एक मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर पिंजड़े में बंद, इसको जिन बना के इसे पैक करूंगी। देखो मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रही हूँ, अगर आपके घर पे होली दिवाली आने वाली है ना, तो आप लोग मतलब उससे दो चार दिन पहले किसी घर दावत खाने निकल जाया करो, ताकि आप लोगों अपने घर पे सफाई ना करवानी पड़े, जब आपके घर सफाई हो तो वापस आ जाया करो। मैं बताऊँ दूसरे घर ले जाने से अच्छा अपने घर ले जा लो, क्योंकि दूसरे घर जाओगे वो भी उस टाइम पे सफाई करते होंगे, मतलब ये सबके घर पे सफाई, उनके घर पे हेल्प करने से अच्छा अपने माँ की। सबके घर इतने गंदे पड़े होते कि सबको सफाई जरूरत होती है। और ये इसको जुकाम हो गया अंशिका को, ये बहुत दिन के बाद दिख रही ना ब्लॉग में। हाँ यार तुमने बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया, इसको देखो कैसे होली खेलने का अभी से शौक चढ़ रहा है। ये देखो क्या कर रही है, होली खेलने जा तो इसने तो इतना ज्यादा लगाए तेरे, लो भाई क्या हाल चल। अरे 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 तुम लोग होली मत कर लेना बेटा, अरे हाय रे ए अब मान जा। बाल देखो इसके, देखो अंशिका देखना, अंशिका देख इधर, अरे इधर तो देख, इसके देख लो ये मेरी कुर्सी की पेटी कहाँ लेके जा रही, कहाँ ले जा रही, क्या पता खराब हो जाए तो, अगर खराब हो गई तो वारंटी में नहीं चलेगी वो। ये देखो हमारी पेटी कहाँ लेके जा रही है, हाँ कितना बड़ा पूरा ये लग रही परात है, पूरी बारात खा लेगी, ये देखो अब अंदर देखो कितना सारा देखो कचड़ा निकला। मैंने मस्ती मारने आई है तो यार काम ही नहीं बता रही, मैं क्या करूँ, कोई काम बताओ। तुमने गुलाली बहुत तेरा भर लिया, अब तुम जाके नहा लो। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, इसका आज सारा भूत उतार दूंगी। ये देख रहे हो भाई साहब देसी जुगाड़ है, और ये है शराब के पौए। और मैंने बोला था इनसे ढक्कन लगा हुई, तो कह रही नहीं ढक्कन नहीं लगेगा, पौए के पीछे का हिस्सा लगेगा, अब देखो ढक्कन ही लगा रही है। और ये मैट बिछी हुई है ना कमरे में, तो ये देखो यहाँ से ही कट जाती है मैट, तो इसीलिए दारू तो यही पीती है भाई ना, मुझे दारू पसंद है ना पीने वाली। तो भाई सफाई उफाई तो करके थोड़ी बहुत देर बैठक भी कर आए हैं, और देखो इसने कैसे कलर लगाया, नहाएगी भी नहीं अभी। अब यार कैसे नहा लूंगी, रात हुई बिल्कुल, तो रात में नहाना मना है क्या, तो मैं सुबह उठ के तुरंत नहा लूंगी। तो चलिए अब अभी गाइस हम लोग के थोड़े कपड़े रह गए, जो नीचे से ऊपर पहुंचाने वो पहुंचा दे, फिर ऊपर आपको दिखाते सफाई हो गई। ये देखिए अब बचे हैं कुछ कपड़े, ये देखो अब चल रहे हैं हम लोग सीधे कपड़े लेके छत पे। ये देखिए अब खाए जा रहे हैं रोल, यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसने मंगाए थे क्योंकि इसको कुछ ज्यादा ही खाना पसंद है। तो अब खाए जा रहे हैं रोल, और ये लग रहा है कितनी बुरी शक्ल में, कब से खाना नहीं मिला है। और ये तो भैया देख लो क्या क्या मंगाया, रोल की पूरी प्लेट देखो साफ कर दी है, और उसके बाद उसमें खीमा देख लो क्या क्या खा रही, चिकन नहीं खाती खीमा खाई, ये देख लो भैया। चलो रोल खा लेते हैं, मम्मी तो आती नहीं, मम्मी तो जब तक ठंडा नहीं करा लेती तब तक खाने का नाम ही लेती है। वो कहती है खाने के टाइम पे मंगा लेते हैं लोग, अब गाइस आते ही इतने टाइम बेच रहे तो क्या करें उनसे, कहीं दोपहर में आओ आप। ये देखो पगलिया कैसे हंस रही है, ये देखो इसको तो 24 घंटे बाद हंसना हंसना खाना सोना बस। हम तो मौज लेते हैं थोड़ी। ये देखो मम्मी आ चुकी, मम्मी बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और हम लोग तो ऐसे ही भाई घूम रहे हैं। मम्मी और मम्मी देखो रोल खा रही हैं। मम्मी देखो सफाई करने से, अरे मुझे हाँ बताओ बताओ, ये सफाई करने से उधर का एरिया साफ लग रहा है और ज्यादा। तो भाई ये लगेगा नहीं बताओ, झाड़ू पोछा बर्तन। तो गाइस बस अभी हम लोग खाएंगे खिचड़ी, ज्यादा खाना बनाया नहीं, सफेद खिचड़ी बनाइए अब वो तो हम अभी खा लेंगे, बाकी इस ब्लॉग को हम लोग करेंगे यहीं पे एंड, नहीं तो ब्लॉग हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा। बाकी आगे ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे, वो भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे पूरी प्लानिंग के साथ, ठीक है। तो आप लोग ने ऐसे एकदम से स्टार्ट कर दिया था, शक्ल भी नहीं देखी, और सुबह से जैसे आप लोगों ने बोरिंग शक्ल देखी अभी भी वैसी देख रहे हैं। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही, और होली की कैसी तैयारियां चल रही हैं आप लोगों के घर पे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो। और एक ब्लॉग हम आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल लाने वाले हैं, वो जल्दी ही आएगा इस ब्लॉग के बाद, जिसमें आपको पता चलेगा कि यूट्यूब से आखिर हमने क्या अचीव किया है ना। सही बात है। तो चलिए आप लोगों के लिए सरप्राइज है, अभी तक मुझे कहीं पर भी नहीं डाला है। जो जो भी अचीव किया है वो सारी चीजें आप लोगों को उसमें दिखाएंगे, और उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।